हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए पैनकेक विद रायता लेके आई हूँ। ये डिश खाने में बहुत ही टेस्टी है, प्लस सुपर हेल्दी भी है। इस डिश को आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत ही कम तेल में बनके रेडी हो जाती है। बच्चे बड़े हर किसी को ये बहुत पसंद आती है। सबसे पहले हम आज की रेसिपी को शुरू करते हैं रायता से। यहाँ पर मैं 1 कप दही ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच पीनट्स, इनको मैंने हल्का क्रश कर लिया है, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच नमक, और हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सुपर टेस्टी हेल्दी रायता हमारा बनके रेडी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ मैं 1 कप स्मंक के राइस ले रही हूँ, जिसको व्रत के चावल भी बोला जाता है। इसको मैं पानी से अच्छे से धो लूँगी, और इसको अच्छे से धोने के बाद इसमें जो पानी है उसको निकाल लिया मैंने, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको डाल दूंगी एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो उसके लिए 1/2 कप दही का इस्तेमाल होगा, और ये 1/2 कप दही मैंने इस जार में डाल दिया है, और हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये बैटर के कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पे मैं 3 उबले हुए आलू ले रही हूँ, इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। एक बार मैं मैशर के साथ मदद से मैश कर रही हूँ इसको। अब मैं इसको यहाँ से साफ करने के बाद एक बार इसमें फॉक से भी इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि हमें बिल्कुल लम्स आलू चाहिए। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने बैटर बनाया था। आप देख सकते हैं मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1 कप पीनट्स। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और काली मिर्च की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करने के लिए यहाँ पे मैं 1/4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच सोडा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सोडा डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं रखना। यहाँ पर मैंने पैन लिया जिसमें मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल, और ऑयल को मैं अच्छे से इस पैन में चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से भी फैला सकते हैं। ऑयल को फैलाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कड़छी भर के बैटर, और बैटर डालने के बाद मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुका है। इसके साइड्स पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, और इसको पलट देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट लिया है, कितना क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है। इसी तरीके से मैं इसकी इस साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, इसको आप एक बार हल्का टॉस करके देख लें, ये अच्छे से एकदम सिक चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, और गैस को कर रही हूँ बंद। यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, और ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट होगा। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं तवे पे थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ, और इस पे मैं डाल रही हूँ हमारा बैटर। यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैटर डालने के बाद इसको भी हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, पहली साइड को आपको 2 से 3 मिनट के लिए ढकना है, और दूसरी साइड को आपको 1.5 से 2 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसकी कॉर्नर्स पे मैंने ऑयल लगा लिया, और इसको पलट दिया है। इसी तरीके से मैं इसके नीचे साइड को 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी, इसको पलट लेंगे। एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट हमारा पैनकेक बनके रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस है इसकी, और साथ में इसके रायता, बहुत ही क्रिस्पी है फ्रेंड्स ये। अब देख सकते हो कितना सॉफ्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी की खास बात ये है,
आप इसको नॉर्मल डेज में तो इन्जॉय कर ही सकते हैं, साथ में आप इसको व्रत के दिनों में भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।